हेलो गाइस, आई एम पुनम सिकरवार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल बेबी एंड यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी आईब्रोज़ के हेयर को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी जो आईब्रोज़ हैं वो थिक हो, क्योंकि आजकल दोबारा से थिक आईब्रोज़ का ट्रेंड आ गया है और आपकी आईब्रोज़ आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। लेकिन हर किसी की आईब्रोज़ जो है वो नेचुरली ही थिक नहीं होती हैं। बहुत सारे लोगों की आईब्रोज जो है वो बहुत पतली होती हैं और इस वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको अगर आप अप्लाई करते हो तो उनसे आपके जो आईब्रोज के हेयर हैं उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक ही रात में कोई जादू तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं जिससे आपका जो हेयर ग्रोथ है वो स्पीड अप हो जाएगा, आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा होंगे और आपकी थिक आईब्रोज हो जाएंगी। तो चलिए मैं अभी आपको वो होम रेमेडी बनाकर बताती हूं। सो गाइज, जो होम रेमेडी आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी, जो आपके आईब्रोज़ के हेयर को बढ़ाएगी, उसके लिए जो आपको मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है आपका मिल्क। बस आपको 4 से 5 चम्मच चाहिए बिल्कुल ठंडा मिल्क। आपको मिल्क जो है वो ठंडा ही लेना है। और दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है ये कॉटन बॉल। बस ये दो चीज़ें आपको चाहिए और आपको इस कॉटन बॉल को इस मिल्क में भिगो के रखना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस दूध में ये भिगो के रखनी चाहिए और उसके बाद ही इसको अप्लाई करना है। हमने मिल्क इसलिए लिया है क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारी नेचुरल गुडनेस होती है और इसी वजह से ये बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। मिल्क के अंदर वे नाम का एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट होता है। ये हमारे हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, हमारे हेयर ग्रोथ जो है उसको स्पीड अप करती है और हमारे हेयर्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाती है। और इसी वजह से मैंने इस होम रेमेडी में इस मिल्क का यूज़ किया है। आप बहुत सारी जगह इस होम रेमेडी को पा सकते हैं इंटरनेट पर। बहुत ही आसान सी होम रेमेडी है। अब देखिए, 4-5 मिनट भिगोने के बाद में जब ये कॉटन बॉल जो है वो भीग जाए अच्छी तरीके से, तो आपको अपनी आईब्रोज पर इस कॉटन बॉल की हेल्प से मसाज करना है। कम से कम 20 मिनट के लिए आपको मसाज करना है। कंटिन्यू आप मसाज करते रहें और 20 मिनट के बाद आपको इसे छोड़ देना है। जैसे कि ये देखिए, मैं अपने हाथ पे आपको मसाज करके दिखा रही हूँ। इस टाइप से जैसे मैं अपने हाथ पे मसाज कर रही हूँ, उस टाइप से आपको अपनी आईब्रोज पे मसाज करना है। और 20 मिनट तक मसाज करने के बाद 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें। इसको आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है और अगर आपने 15 दिन तक ये कंटिन्यू लगा लिया ना, तो आप 15 दिन के बाद ही डिफरेंस देखना नजर आने लग जाएगा। 15 दिन में ही आपके जो आईब्रोज के हेयर हैं वो बढ़ने लग जाएंगे और 2 महीने के अंदर तो आपकी आईब्रोज जो है वो काफी हद तक घनी हो जाएंगी। तो मैं आपको यही बोलूंगी, आप ये होम रेमेडी जरूर ट्राई करके देखना। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पर मैं ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, बाय बाय।